तो भाई वेलकम टू अनदर वीडियो। और भाई सबके कैसे हाल है? तो यार ये न्यू वीडियो है और न्यू वीडियो के साथ में न्यू अपडेट, जैसे कि टाइगर सर की न्यू मूवी के बारे में। तो ऑब्वियसली कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले सुभाष घई ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक पिक शेयर किया और इस पिक में हमें टाइगर सर के साथ में नजर आए अहमद खान, सुभाष घई और सुभाष घई के फ्रेंड कबीर लाल। और आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें पता नहीं कि सुभाष घई कौन है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सुभाष घई इंडियन फिल्म डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और साथ ही में स्क्रीन राइटर है। और इन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज को डायरेक्ट किया है, मूवीज को प्रोड्यूस किया है और साथ ही में मूवी की स्क्रिप्ट भी लिखी है। और उन बड़ी मूवीज के साथ में उन्होंने खलनायक जैसी बड़ी मूवी भी डायरेक्ट की है। और अगर तुमने खलनायक मूवी देखी होगी तो तुम्हें पता ही होगा कि इस मूवी में दो बड़े एक्टर थे। और खलनायक 2 के ऊपर संजय दत्त पहले कहते हुए नजर आए थे कि वो खलनायक 2 टाइगर सर के साथ में करना चाहेंगे। और अब इसी के साथ में सुभाष घई इस पिक को शेयर करके कहते हुए नजर आए हैं, व्हाट अ डिलाइटफुल लंच टुगेदर इन माय ऑफिस टुडे विद माय सुपर हीरो टाइगर जैकी श्रॉफ, डायरेक्टर अहमद खान एंड माय सिनेमेटोग्राफर फ्रेंड कबीर लाल, शेयरिंग आवर सिनेमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ द पार्ट एंड व्हाट द फ्यूचर होल्ड फॉर द बिग स्क्रीन एंड आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक अ ग्रेट मोशन पिक्चर टुगेदर। और जैसा कि सुभाष घई का कहना है कि उनके सुपर हीरो टाइगर श्रॉफ के साथ में उन्होंने आज उनके ऑफिस में लंच किया और साथ ही में बात करी फ्यूचर के आने वाली बड़ी मूवी के बारे में। और वो टाइगर सर के साथ में एक बड़े पर्दे पर एक शानदार मोशन पिक्चर बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो सभी को लग रहा है कि वो खलनायक मूवी हो सकती है और मैं भी मूवी की स्टोरी भी खलनायक मूवी से रिलेटेड हो, बट मेरे हिसाब से तो मूवी की स्टोरी न्यू होनी चाहिए और मूवी के अंदर हमें कुछ नया देखने को जरूर मिलना चाहिए। और अगर खलनायक 2 में टाइगर सर हो और मूवी को रीमेक बनाया जाए तो मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। मतलब वर्ड्स पे मत जाओ, इमोशन को समझो, नहीं तो कुछ टाइगरनेस मुझे कमेंट में गालियां देंगे। देखो अब मैं तुम्हें सीधी सी बात बताता हूँ, टाइगर सर के साथ में इतनी बड़ी मूवी बनाएंगे, मूवी के अंदर इतना पैसा खर्च करेंगे, इतनी मेहनत लगाएंगे और मूवी की स्टोरी रहेगी पुरानी मूवी से रिलेटेड, और फिर मूवी देखने वालों को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि उनको पता रहेगा कि मूवी की स्टोरी क्या है। और अगर खलनायक 2 में टाइगर सर होंगे तो होप सो मूवी की स्टोरी न्यू होनी चाहिए। और अब इसी बात पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और ऑब्वियसली टाइगर सर से रिलेटेड वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, वंदे मातरम, जय हिंद। So fine, everybody asking how I know. I smile at them and said she told me so.